कि आप जो बोलते हैं कि शराब बिहार में हम शुरू करके और बिहार के हालात को सुधार देंगे, जनसुराज नाम रखते हैं, और गांधी जी के जयंती पर आप जो है शराब को बेचने की बात करते हैं। देखिए, हर राजनीतिक दल जो है अपने वर्चस्व के लिए प्रयास करता है, तो तेजस्वी यादव ईमानदारी से अपने पार्टी के लिए बोल रहे हैं, और अगर राजनीतिक दल ये बात नहीं बोले तो वो तो चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। इसलिए ये सब राजनीतिक दुकानदारी है, चलता रहता है। कब तक उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा? बस जल्दी कर देंगे, एक सप्ताह के अंदर कर देंगे। एक सप्ताह में तो नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएगा, उसके पहले हो जाएगा। 18 से नॉमिनेशन एकदम हम लोग 18-19 तक घोषणा कर देंगे। प्रशांत किशोर ने आज अपने एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है, तरारी से उन्होंने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को उम्मीदवार बनाया। ठीक है, अपना अपना सभी दल को उम्मीदवार बनाने का हक है, अपना अपना बनाते हैं। तेजस्वी यादव दूसरे पेज की यात्रा पर निकले थे मगर उसे स्थगित कर दिया गया अचानक। असल है क्या कि उनको ये मालूम हुआ कि बिहार के जनता में ये आक्रोश है कि जब बाढ़ आया तो वो कहाँ गायब हो गए थे। बिहार में जब बाढ़ आया उस समय विपक्ष के नेता बिहार से गायब थे, तो उनको सोचना चाहिए कि जिस वक्त बिहार के जनता को बाढ़ पीड़ित के समय में आवश्यकता थी उस समय वो दौरा नहीं कर रहे थे। तो सिर्फ राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए कोई दौरा करेगा तो पब्लिक पसंद नहीं करेगा। देखिए, बताते हैं, यही बात तो मैं प्रशांत किशोर जी को बोलना चाहता हूं कि आप जो बोलते हैं कि शराब बिहार में हम शुरू करके और बिहार के हालात को सुधार देंगे, जनसुराज नाम रखते हैं, और गांधी जी के जयंती पर आप जो है शराब को बेचने की बात करते हैं, तो यही कमजोर इच्छा शक्ति जो विपक्ष की है उसके कारण ये सब घटनाएं घट रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के यात्रा को लेकर अब सियासी तकरार बिहार में ही दिख रहा है। गिरिराज सिंह सहयोगी दल जो है उसके सवाल उठा रही है सर उनके यात्रा पे। देखिए, ऐसा है कि माननीय गिरिराज सिंह जी का जो यात्रा है वो किसी पार्टी के बैनर के तहत नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई अपना वक्तव्य नहीं दे सकता। सवाल तो विपक्ष कर रहा है ना सर कि ये नीतीश कुमार के सेक्युलर इमेज पर सवाल है। नीतीश कुमार के सेक्युलर इमेज के साथ दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष है, कोई सेक्युलर इमेज पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं तो बोल ही दिया कि नफरत के नाम पर ना सियासत के नाम पर एनडीए जो है चुनाव लड़ेगी मोहब्बत के नाम पर। प्रशांत किशोर ने कहा है कि भाजपा का बिहार में भविष्य अंधकार में है। बहुत अच्छा, अभी भविष्य वक्ता भी हैं वो, तो राजनीतिक दुकानदारी पहले भी करते थे वो, उसको कहते हैं इंग्लिश में प्रोफेशनल, वो जो है पॉलिटिक्स को प्रोफेशनली वो डील करते थे आज तक, इसीलिए अब भविष्य वक्ता तो शुरू से रहे हैं वो। वो बोल रहे हैं कि 143 या 2 या 4, अब हो गया ना, मैंने कह दिया ना कि वो वही काम ही करते हैं ना, उनका तो वही काम है, सब प्रदेश में जा करके किसी को चुनाव में आगे बढ़ाना, किसी को पीछे बढ़ाना, ये सब काम ही करते हैं, इसलिए उनका अपना जो ये है प्रोफेशन है उस हिसाब से वो बोलते हैं। झारखंड में जेडीयू बीजेपी के बीच क्या सीट? एकदम झारखंड में बीजेपी जेडीयू एनडीए बहुत मजबूती के साथ सारा चीज फाइनल कर चुकी है, तालमेल भी हो गया, और मुस्कुराते रहिए, एकदम चुनाव भी अच्छा हो जाएगा। यही तो प्रशांत किशोर और विपक्ष के सभी लोगों को पूछना चाहिए। सरकार क्या कर रही है? सरकार तो अपना काम कर रही है, सरकार तो कानून का राज है, नीतीश कुमार के राज में किसी का क्या मजाल है कि कोई दोषी या किसी तरह का गड़बड़ी करने वाला बच जाए। लेकिन आपको लग रहा है असर है शराब? एकदम असर है शराबबंदी का। मौत तो अब पूरा तो लीक प्रूफ करने के लिए हमको आपको, इसलिए तो हम तो बोलते हैं कि सभी को सुधरने की आवश्यकता है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल खड़े किए। देखिए, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, कभी भी किसी के स्वास्थ्य पर सवाल नहीं उठाना चाहिए,
भगवान इसके भगवान के नज़र में, अल्लाह के नज़र में ये सबसे बड़ा पाप है। भगवान ना करे कि कल तेजस्वी यादव के यहाँ किसी की तबीयत खराब हो जाए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, इन सभी नेताओं को सुबुद्धि दो कि राजनीति करते करते इतना घटिया स्तर पर नहीं चले जाएं कि माँ बाप का तबीयत खराब के बारे में भी जो है अब चर्चा करना शुरू कर दें। कल तक तो चाचा बोलते थे और आज उनके तबीयत खराब पर भी कमेंट करते हैं। तो भगवान का मार अभी देखा नहीं है इंसान। जिस दिन भगवान का मार लगता है ना, उस दिन जवानी में भी जो है किसी का कोई हाल हो जाता है। इसलिए नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे हैं, प्रदेश अच्छा चल रहा है, इसलिए किसी के स्वास्थ्य पर कभी कोई बात नहीं बोलना चाहिए।